भैया कल का मैच तो आपने सभी ने देखा होगा, एक ही T20 में दो बार 200 से ज़्यादा का स्कोर बना, दो दो सुपर ओवर हुए, रोहित की सेंचुरी लगी, रिंकू सिंह का पराक्रम देखने को मिला, गुलबदीन नैब का धमाल भी देखा, लेकिन मैच का हीरो कौन? जी हाँ, गोल्डन डक पर आउट हुए विराट कोहली। वो कैसे बताते, जल्दी किस बात की, पहले मैच का मोटा मोटा हाल जान लेते। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन कप्तान के इस फैसले को उनके अलावा बस रिंकू सिंह का सपोर्ट मिला। रिंकू ने 39 गेंद पर 69 रन बनाए, जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने 69 गेंदों पर 121 रनों का योगदान दिया। इससे पहले भारत ने कुल 22 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद रिंकू और रोहित ने बिना आउट हुए 190 रन की पार्टनरशिप कर डाली। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 212 रन का बड़ा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में अफगानिस्तान की टीम भी इतनी ही रन बना पाई, उन्होंने बस ओवर में 6 विकेट गंवाए। टीम के लिए रहमतुल्ला गुरबाज, इब्राहिम जादरान और गुलबदीन नैब ने 85 मारे। नैब ने सिर्फ 23 गेंदों पर ताबड़तोड़ 55 रन नाबाद पारी खेली, जबकि मोहम्मद नबी ने 16 गेंदों पर 34 रन बनाए। दोनों टीम्स का स्कोर सेम रहा। सुपर ओवर की बारी आई, अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 1 विकेट खोकर 16 रन बनाए। भारत की बारी आई, रोहित ने लगातार 2 छक्के मारे, 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर रिटायर्ड आउट हो गए। इसके बाद आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, एक ही बना, यानी एक और सुपर ओवर। इस बार भारत की पहले बैटिंग, रोहित शर्मा ने छक्का फिर चौका मारा, तीसरी गेंद पर सिंगल लिया, चौथी गेंद पर रिंकू सिंह आउट हो गए, 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा रन आउट हो गए, रन बने कुल 11 है। अब बारी अफगानिस्तान की, रवि बिश्नोई बॉलिंग करने आए और 3 गेंदों पर 2 विकेट लेकर मैच खत्म कर दिया, ये तो बस हो गया। अब बारी विराट कोहली की, कैसे उन्होंने जीत दिलाई। 17वां ओवर, वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग कर रहे थे, ओवर की 5वीं गेंद, करीम जनत ने तगड़ा शॉट जड़ा, लॉन्ग ऑन पर विराट कोहली खड़े थे, जनत को शॉट मारते ही लग गया कि ये सिक्स है, लेकिन कोहली का प्लान अलग था, वो अपनी जगह से उछले और ऐसा उछले कि गेंद को थाम लिया, गेंद विराट के दाहिने हाथ में आकर फंस गई, हालांकि वह कैच नहीं पकड़ पाए, लेकिन कोहली ने इस एफर्ट से निश्चित तौर पर 5 रन बचा लिए। अगर ये छक्का पड़ जाता तो मैच ना तो सुपर ओवर में जाता और ना भारत जीतता। अरे हाँ, कोहली इस एफर्ट के दौरान एकदम वैसे ही दिखे जैसे जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते वक्त दिखते हैं। तो भैया अब देख लिया आपने मैच, विराट कोहली चाहे 0 रन बनाए लेकिन उनकी फील्डिंग मैच जिताऊ रहती है और कहीं ना कहीं सुर्खियां भी बटोर लेती हैं। आपको क्या लगता है कि मैच का असली हीरो कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।